हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग, वेलकम टू सिविल डिकोडर ऑफिशियल। दोस्तों, आज का अपडेट रहने वाला है एसएससी की तरफ से। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी फेस 11 की वैकेंसी अभी फाइनल नहीं हुई है। दोस्तों, इसका रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ चुका था और स्टूडेंट्स ने इसके फॉर्म भी हार्ड कॉपी भेज दी थी स्कूटनी के लिए। दोस्तों, एसएससी के द्वारा लगातार अलग अलग पदों के लिए स्कूटनी का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। जैसे कि आपका जो कम पद हैं, जैसे एक पद है, दो पद है, स्टोर कीपर या फिर टेक्नीशियन या फिर जो फिजिशियन, इन जो अलग अलग स्पेशल के कम पदों वाले जो पद हैं, उनके अभी एलिजिबल और नॉन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट एसएससी के रीजनल ऑफिस में, एसएससी के रीजनल जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि केकेआर की अलग वेबसाइट है, एसआर की अलग है, एनआर की अलग है और आपकी सीआर की अलग है। दोस्तों, आप लोग की वैकेंसी जिस रीजन से संबंधित है, आपको उस एसएससी रीजनल की वेबसाइट रेगुलर वॉच करनी है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा जो एसएससी फेस 11 में टेक्निकल भर्ती थी, जो कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से संबंधित थी। जैसे कि आपकी एक जो सबसे बड़ी वैकेंसी थी सिविल इंजीनियरिंग के लिए, वो आपकी थी एमईएस में जूनियर इंजीनियर सिविल, जिसमें कि आपका 391 पदों के लिए आवेदन मांगा गया था। दोस्तों, इसका रिजल्ट भी जारी हो गया है रिटर्न एग्जाम का, जो आपकी कट ऑफ गई थी, कैटेगरी वाइज अलग अलग गई थी। और स्कूटनी के लिए आपका डॉक्यूमेंट भी भिजवाया जा चुका है और इसका अभी जो अभ्यर्थी हैं वो वेट कर रहे हैं कि स्कूटनी का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, अभी एसएससी एनआर के द्वारा इस विषय में कोई अपडेट दी नहीं गई है। दोस्तों, जैसा कि आपको प्रीवियस रिकॉर्ड में पता होगा कि एसएससी एनआर और सीआर में जो भी फेस सिलेक्शन पोस्ट से संबंधित भर्तियां होती हैं या अन्य भी जो भर्तियां डायरेक्ट निकलती हैं, जैसे एसएससी जेई और भी जो नॉन टेक्निकल भर्तियां होती हैं, उनमें इन रीजन से जो ज्वाइनिंग या फिर जो भी प्रोसेस होता है, काफ़ी डिले होता है। दोस्तों, अभी एनआर रीजन से एमईएस के संबंध में कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। दोस्तों, एक स्टूडेंट के द्वारा आरटीआई के माध्यम से भी जानने का प्रयास किया गया था कि कितने अभ्यर्थियों ने इसमें जो स्कूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, इसका भी एसएससी ने रिप्लाई नहीं दिया और आरटीआई को डिस्पोज कर दिया। दोस्तों, ये आरटीआई के माध्यम से जानने का प्रयास किया गया था कि एमईएस में जो जेई की भर्ती है, इसमें जो 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, डॉक्यूमेंट्स स्कूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे। तो दोस्तों, इन्होंने आरटीआई में पूछा था कि कितने अभ्यर्थियों ने वो डॉक्यूमेंट भेजा है हार्ड कॉपी। तो दोस्तों, इसमें भी एसएससी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया और केवल एक शब्द में लिख दिया, क्यूरी डज नॉट कवर अंडर डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2F आरटीआई एक्ट 2005। तो दोस्तों, इन्होंने ऐसा क्या पूछ लिया था जो इसके अंदर नहीं आ रहा था। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इन्होंने पहला क्वेश्चन था इनका कि जो कितने कैंडिडेट ने इसमें स्कूटनी के लिए हार्ड कॉपी भेजी हुई है डॉक्यूमेंट्स की। दोस्तों, इसका भी रिप्लाई एसएससी ने नहीं दिया और कब तक इसका रिजल्ट आएगा, कब तक एलिजिबल और अन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी हो सकती है। दोस्तों, एनआर रीजन के द्वारा आप लोग देख सकते हैं कि कितनी सुस्ती बढ़ती गई है। जो अभी जिसका रिटर्न एग्जाम का जो रिजल्ट आया हुआ है, लमसम 6 महीने से भी अधिक का समय बीत गया है और एसएससी की तरफ से जो स्कूटनी का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। दोस्तों, आप लोग भी आरटीआई लगा सकते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है अपने वीडियो के माध्यम से भी कि आपको आरटीआई कैसे लगानी है। आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं और आप लोग आरटीआई लगा सकते हैं जो आपके क्वेश्चन हैं। और इसमें वो क्वेश्चन मत पूछिए जो एसएससी के रिकॉर्ड में वहाँ पर नहीं है। आरटीआई के माध्यम से वही जानकारी आपको मिल सकती है जो एसएससी के पास उनके रिकॉर्ड में उपलब्ध है। दोस्तों, आप लोग पूछ सकते हैं कि कितने इसमें जो स्कूटनी के लिए हार्ड कॉपी, जो हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए हैं, कितने अभ्यर्थियों ने भेजे हैं, ये आप पूछ सकते हैं। और इसका जो इन्होंने यूजर्स डिपार्टमेंट को कब डॉक्यूमेंट्स स्कूटनी के लिए भेजा है, ये दो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। एसएससी इसका रिप्लाई दे। तो अब एक और आरटीआई दिखाता हूँ। दोस्तों, एक अभ्यर्थी ने इसमें आरटीआई लगाई थी जो केकेआर जो कर्नाटका रीजन है, उसमें जो सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट की जो भर्ती थी, उसमें कितने अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट भेजे हैं और इन्होंने यूजेंस डिपार्टमेंट को फॉर स्कूटनी है। दोस्तों, ये आपके एसएससी जो रीजन ऑफिस है कर्नाटका का, हेड ऑफिस बेंगलोर है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी आपकी थी सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी थी। इसमें टोटल जो पद थे वो आपके 42 वैकेंसी थी। दोस्तों, इसका आप पोस्ट कोड भी देख सकते हैं, KK12723 है। और इसमें जो अभ्यर्थियों को बुलाया गया था वो आपके लमसम 580 जो रिजल्ट आया था रिटर्न एग्जाम का, जो रिजल्ट जारी किया गया था रिटर्न एग्जाम का, उसमें
580 के लमसम अभ्यर्थियों की सूची थी, जिसमें कि एसएससी के पास 417 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी पहुंची है फॉर स्क्रूटनी के लिए। दोस्तों ये पहला आपका पॉइंट था जो कि आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था और एसएससी ने इसका क्लियर कट नंबर्स में आपको बता दिया है। और दोस्तों दूसरा जो पॉइंट था कि एसएससी ने यूजर्स डिपार्टमेंट को डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी करने के लिए कब भेजा हुआ है। दोस्तों दूसरे का भी इन्होंने रिप्लाई किया है कि 16 नवंबर 2023 को इन्होंने यूजर्स डिपार्टमेंट को जो 417 अभ्यर्थियों की जो हार्ड कॉपी थी एप्लीकेशन की, वो इन्होंने यूजर्स डिपार्टमेंट को स्क्रूटनी के लिए भेज दिया है। और दोस्तों इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में जो अभ्यर्थी ने पूछा था उसमें लिखा है कि कम्युनिकेशन ए कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सपोज डू इंटरनल इन्फॉर्मेशन सॉल्व प्रॉब्लम राइज बाई एप्लीकेशन फर्दर एज पर एसएससी क्वार्टर नोटिस इतना इतना एडिटेड अंडर डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज एप्लीकेशन प्रोवाइड द स्टेटस रिपोर्ट इज नॉट फाइनलाइज यूजर्स डिपार्टमेंट। मेरे स्टूडेंट ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि जो इसका क्या स्टेटस है जो स्क्रूटनी का, तो उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी स्टेटस का फाइनलाइज नहीं हुआ है यूजर्स डिपार्टमेंट के द्वारा, अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं दी गई है और ये जल्द ही एलिजिबल और इनएलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश करेंगे। आप लोग इनकी जो वेबसाइट है उसको रेगुलर वॉच करते रहिए। दोस्तों इसी प्रकार और भी टेक्निकल पोस्ट है, जैसे कि आपको कंजर्वेशन असिस्टेंट केकेआर और एसआर में दो रीजन्स में वैकेंसी थी, 140 से 140 के लमसम थी। दोस्तों आप लोग आरटीआई के माध्यम से कितने हार्ड कॉपी के लिए डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं ये पता कर सकते हैं और यूजर्स डिपार्टमेंट को एसएससी ने कब भेजा है और ये भी जानकारी पता कर सकते हैं और इसका स्टेटस अगर आप पूछ सकते हैं, अगर उनके पास एज ए रिकॉर्ड होगा तो वो लोग बता देंगे। दोस्तों एसएससी फेस 11 में जो टेक्निकल भर्तियां बड़ी बड़ी थी, जैसे कि आपका एमईएस जेई कंजर्वेशन असिस्टेंट सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट, दोस्तों साउथ रीजन की कुछ भर्तियां जल्दी होंगी रेदर देन एनआर और सीआर रीजन की कंपेयर में। दोस्तों इनका जो रिजल्ट जारी होने की संभावना है ये आपके इलेक्शन के बाद जून के मिड से और जुलाई के लास्ट तक आपके एलिजिबल और अन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है और इसके बाद आपका डीवी हो सकता है। तो दोस्तों आपका अभी जो एलिजिबल और अन एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट है वो आपकी दो महीने तक आने की कोई भी संभावना नहीं है, उसके बाद ही जब तक इलेक्शन खत्म नहीं होगा तब तक आपका कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सारे यूजर्स डिपार्टमेंट इस समय व्यस्त होंगे इलेक्शन में। दोस्तों आप लोग इसकी वेबसाइट को विजिट करते रहिए और आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग आरटीआई भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आरटीआई का एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। और आप लोगों को इस भर्ती से संबंधित कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करें, टेलीग्राम पर मैसेज करें, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का पूरा प्रयास करता हूं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।